हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने वॉशिंगटन से भारत अमेरिकी रक्षा संबंधों पर एक खास रिपोर्ट पेश की है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 भारत अमेरिकी रक्षा संबंधों के लिए एक बेहद यादगार साल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा से पहले उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि पीएम मोदी की राजकीय यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिए मानदंड स्थापित करेगी और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर कुछ बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है जो भारत को मजबूत घरेलू सैन्य आधार बनाने में मदद करेगी। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरी है। हाल के दिनों में रक्षा व्यापार, संयुक्त अभ्यास और समुद्री सुरक्षा सहित कई मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग में बड़ी वृद्धि देखी गई है। पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा से पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका की भारत के साथ महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी है और इंडो पैसिफिक में क्वाड में बड़ा सहयोग है। अब भारत अमेरिका ने आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा और पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल मई में दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET पर भारत अमेरिका पहल की घोषणा की थी। USIBC का भी एक समिट था, इंडिया आइडिया समिट था, उसमें डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे। कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हंड्रेड ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे वहाँ से, कई सारे डजन्स ऑफ फैक्ट शीट्स वहाँ से निकलेंगी, काफ़ी बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट्स निकलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें डिफेंस होगा, एजुकेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी कुछ डिलीवरेबल होगा, आप स्पेस पे भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, बायोटेक्नोलॉजीज, उनसे भी काफ़ी कोऑपरेशन को आपको देखने को मिलेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की हाल की भारत यात्रा ने भारत अमेरिका के बढ़ते रक्षा संबंधों के कुछ पहलुओं को बेहतर बनाया है। 5 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष ऑस्टिन के साथ भारत अमेरिका रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक बातचीत की है। रक्षा विभाग में हिंद प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक सचिव एली रेटनर ने कहा है कि एक मजबूत भारत जो अपने स्वयं के हितों की रक्षा कर सकता है, अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकता है, वह अमेरिका के लिए अच्छा है। एक मजबूत भारत जो अमेरिका के सह उत्पादन और सह विकास से क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान दे सकता है, ऐसी आकांक्षा है कि भारत क्षेत्र में सुरक्षा के निर्यातक के रूप में स्थापित हो। ऐसा भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अच्छा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि अमेरिका अपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक भारत को पहुंच प्रदान करेगा। भारत चाहता है कि अमेरिका में मौजूद कठोर विधायी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर किया जाए, जिससे कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह उत्पादन, खुफिया साझाकरण के साथ साथ उद्योगों में परस्पर सहयोग स्थापित हो। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों को नया आयाम मिला है। अमेरिका ने भारत को 2016 में एक प्रमुख रक्षा भागीदार घोषित किया। भारत को 2018 में सामरिक व्यापार प्राधिकरण Tier 1 का दर्जा मिला, जिससे भारत को सैन्य और दोहरे उपयोग वाली तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक लाइसेंस मुक्त पहुंच हासिल हुई। अमेरिका और भारत ने रक्षा संबंधी मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही 2019 में दोनों देशों के बीच औद्योगिक सुरक्षा विस्तारीकरण पर भी सहमति बनी, ताकि दोनों देशों के उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ सके। दोनों देशों ने अक्टूबर 2020 में बीका बुनियादी विनिमय और सहयोग तंत्र पर हस्ताक्षर किए। मई 2023 में भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देने के साथ इंडिया US एडवांस डोमेन्स डिफेंस डायलॉग का आयोजन किया। दोनों देशों के बीच अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए इंडिया US डिफेंस एक्सिलरेशन इकोसिस्टम जैसी नई पहल भी शुरू की गई। अमेरिका दावा करता है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में अब भारत की स्थिति नाटो देश के समान है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को भारत के तेजस MK2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और AMCA MKI के लिए GEF-414 INS-6 जेट इंजन प्रौद्योगिकी के पूर्ण हस्तांतरण के साथ भारत के सहयोग से विकास करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए उद्योगों के बीच होने वाले सौदे को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा मंजूरी दी जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के स्टेट विजिट पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। सभी ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देश कारोबार और रक्षा क्षेत्र को लेकर के क्या बड़े समझौते करते हैं।
ये समझौते ऐसे होने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को बदलने की क्षमता रखते हैं। कैमरामैन प्रवीण जौहर के साथ अजय मिश्र, DD News, Washington DC।